बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन किराम, इस दौरे हाजिर के अंदर हर शख्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हर शख्स यही कहता है कि वो तंग दस्ती से गुजर रहा है, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनके मालो असबाब के अंदर बरकत नहीं है। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, बात की जाए तो दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे वहम, शक व शुबहात और इसके साथ ही साथ ऐसे शिर्क हम लोगों ने पाल लिए हैं कि जिसकी वजह से ना सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात हमसे नाराज़ रहती है, बल्कि ये दुनिया हमारे लिए खुशहाल जिंदगी होने की बजाय एक मुसीबत बन रही है। नज़रीन किराम, बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि सफर का महीना हो तो यह बहुत ही ज्यादा मनहूस समझा जाता है। बहुत से लोग इस महीने के अंदर शादी ब्याह नहीं करते। बहुत से लोग इस महीने को ऐसा समझते हैं कि अगर इस महीने में कोई कारोबार किया जाएगा तो वह मुकम्मल तौर पर ही नुकसान उठाएगा। नज़रीन किराम, इन तमाम तर चीजों के पीछे क्या ऐसी वजूहात हैं, यह तमाम तर लोग नहीं जानते। नज़रीन किराम, याद रखेंगे, जब भी हमारे ऊपर कुछ मसाइल आते हैं, हमारे ऊपर कुछ परेशानी आती हैं, तो वो हमारे मालो असबाब, हमारी अमलियात और इन्हीं चीजों की बिना पर होती हैं। नज़रीन किराम, यहां पर आपको एक खूबसूरत सा वाकया बताता चलूं। कहते हैं कि पहले दौर के अंदर जब यहां पर सुई गैस नहीं होती थी तो तमाम तर लोग लकड़ियां जलाकर ही अंधेरे के अंदर रोशनी करते थे और उसके साथ ही साथ अपना खाना बनाने का भी सामान करते थे। नज़रीन किराम, कहा जाता है कि उन दिनों के अंदर एक बहुत ही बड़े बुजुर्ग थे जो कि लोगों की लकड़ियों के गट्ठे उठाकर उनके घरों तक छोड़ाया करते थे। नज़रीन किराम, इसके ऊपर लोग उनको कुछ मुआवजा भी दे देते थे और बहुत से लोग मुआवजा देने की बजाय सिर्फ उनको दुआएं दिया करते थे। कहते हैं कि एक मर्तबा उसी बुजुर्ग का इंतकाल हो गया और उसके बाद एक आदमी ने उनको ख्वाब के अंदर देखा, और जब ख्वाब के अंदर देखा तो इतना खुश ना पाया और उसके साथ ही साथ उनसे सवाल कर डाला कि ऐ आदमी, आप तो दुनिया के अंदर लोगों के बहुत ही काम आते थे, लोगों के मालो असबाब बनाते थे, लोगों की लकड़ियां उनके घर में छोड़ाते थे, आपके साथ क्या सिलसिला हुआ? क्या आप दुनिया के बाद वाकयातन जन्नत में पहुंच गए? क्या आपके मालो असबाब का, आपके हिसाब का क्या बना? नज़रीन किराम, उस बुजुर्ग ने फरमाया कि ऐ बंदे, मैं लोगों के बहुत काम किया करता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ सजदा रेज भी होता था, नेक काम करता था, दुआएं पढ़ता था और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगता रहा। लेकिन यहाँ पर याद रखो कि एक मर्तबा मैं एक आदमी का, एक गरीब आदमी का गट्ठा उसके घर छोड़ने जा रहा था और मेरे दांतों में गोश्त का टुकड़ा फंस गया। मैंने उसको निकालने के लिए उस गट्ठे के अंदर से एक छोटा सा तिनका लिया और उसके बाद अपने दांत से वो गोश्त का लोथड़ा बाहर निकाल दिया। बस यही वजह है कि आज तक उस तिनके का, जो कि बगैर इजाज़त के उसके इस्तेमाल किया था, उसका हिसाब नहीं दे पाया। अब नज़रीन किराम, इन तमाम तर चीज़ों को सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक छोटे से तिनके का हिसाब देना कितना मुश्किल है। तो यहाँ पर दुनिया के अंदर वो लोग जो दूसरे लोगों के मालो असबाब को, उनकी जायदाद को हजम कर जाते हैं और बिला इजाज़त उनका इस्तेमाल करते हैं और कब्ज़ा करते हैं और लोगों का ना हक माल खाते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कैसे हिसाब देंगे? नज़रीन किराम, हमारे ऊपर आने वाली तमाम तर मुश्किलात हमारे आमाल का नतीजा ही होती हैं। लेकिन नज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ी का दरवाज़ा तो सबसे बड़ा दरवाज़ा रखा है और इस दर पर जो भी आता है उसको माफ़ी मिल जाती है। और इसके साथ ही साथ इस्लाम ने हमें ऐसी बहुत सी तालीमात दी हैं, ऐसे गुर बताए हैं, ऐसे तरीके बताए हैं कि जिनके ऊपर अमल करने से हम मुकम्मल तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पाक होकर अल्लाह की तरफ लौट जाते हैं। नज़रीन किराम, कहा जाता है कि मुहर्रम के महीने के साथ ही साथ सफ़र के महीने के अंदर भी पहला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा ख़ास अय्याम में समझा जाता है और कहा जाता है कि इसके अंदर की जाने वाली इबादत, इसके अंदर मांगी जाने वाली दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद मकबूल होती हैं। नज़रीन किराम, कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप लोग सफ़र का चांद निकलने के बाद से लेकर पहले 10 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हाथ उठाकर अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। यानी कि 7 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें और उसके दरमियान में 7 बार सूरह फातिहा की तिलावत करें और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपनी हाजत के लिए दुआ मांगें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ अपने हाथ उठाकर सर बुलंद करें और उसके बाद नेक नियति से, खलूस से, दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें तो कहा जाता है कि इंसान की दुआएँ भी कबूल हो जाती हैं। नज़रीन किराम, इन तमाम तर चीज़ों को करने से आपके घर के अंदर ना सिर्फ खैर व बरकत होती हैं बल्कि आप लोगों को ये जितने भी वसवसे आते हैं कि मुहर्रम का महीना ठीक नहीं,
सफ़र का महीना ठीक नहीं या कोई और ख़ास दिन ठीक नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तमाम तर दिन एक यकजां और एक ही बराबर हैं। नाज़रीन किराम, इन तमाम तर चीज़ों को दुनिया के अंदर ही फजीलत दी गई है और दुनिया के अंदर ही लोगों ने इनके मालो असबाब बना दिए हैं। अब नाज़रीन किराम, यहाँ पर याद रखें कि सबसे ज़्यादा इंसान के ऊपर मुश्किल तभी आती हैं जब वो दूसरों का नाहक माल खाता है। नाज़रीन किराम, हमारे दीन इस्लाम के अंदर ये कहा जाता है कि लोगों के ज़्यादती करने वाला इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि लोगों का माल खाने वाला इतना ज़्यादा ख़तरनाक है वो कि चोरी करने वाले और झूठ बोलने वाले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। नाज़रीन किराम, इन तमाम तर चीज़ों को हमने पसे पुछ डाल दिया है और अपने दीन के अंदर इस बात को भुला दिया है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर याद रखा जाए कि हम किसी के साथ नेकी करते हैं और किसी के साथ कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके ऊपर एहसान जतलाने लगते हैं। हालांकि दीन हमारी इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं देता। हमारा दीन ने हमें यही बात सिखाई है कि जब भी हम किसी के काम आए तो दाने हाथ से दी गई दौलत किसी दूसरे शख्स को बाने हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद के अंदर सदका और ज़कात करने का भी बहुत ही ज़्यादा हुक्म सादिर हुआ है, इसलिए आप तमाम तर लोगों से हम यही इल्तमास करेंगे कि अपने अमाल के अंदर नेकियाँ करें, अपनी नमाजों को कायम करें, कुरान पाक की तिलावत करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा विद कर सकते हैं उनको करें और अपने मालो असबाब के अंदर पाक करने के लिए सदका ज़कात को बहुत ही ज़्यादा आम करें। अपने माल में से जितनी ज़्यादा दौलत आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ खर्च करेंगे वो आपको उसको 10 गुना 100 गुना करके वापस लौटाएगा। नाज़रीन किराम, लोगों के काम आए, नेकियाँ करें, अच्छे अमाल करें और यहाँ पर याद रखें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसा दर्स दिया था। आपको वो वाक़या तो याद ही होगा जब एक बूढ़ी औरत जो कि ऊपर से कचरा फेंक दिया करती थी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और उसके बाद जब वो ये बात सुनकर कि यहाँ पर कोई ऐसा जादूगर आ गया है तो वो शहर छोड़कर जाने लगी तो हमारे नबी ने कैसे उस औरत का, उस बूढ़ी औरत का सामान उठाकर उसको एक मुकाम तक पहुँचाया था और उसके बाद जब उस खातून को ये पता लगा कि ये वो जादूगर नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो वो औरत कैसे उसी टाइम ईमान ले आई थी। नाज़रीन किराम, दुनिया को मुतासिर करना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग तमाम तर लोगों को अपने दिलों के अंदर बसाना चाहते हैं और अपने आमाल को आसान करना चाहते हैं तो हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। जो काम अल्लाह ताला ने हमें बतलाए हैं उन्हीं के ऊपर अमल करना है और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उन्हीं से बचना है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के तवस्सुत से आप लोगों से यही गुजारिश की जाती है कि आज तमाम तर लोग मिलकर दुआ कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं कि अल्लाह हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ़ कर दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दुआ के अंदर शामिल हो सकें, इस दुआ को मांग सकें, इस दुआ को अपने दिल के अंदर उतार सकें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें और उसके साथ ही साथ ये सच्चे दिल से तौबा कर लें कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी के अंदर मुहर्रम का महीना हो, सफ़र का महीना हो, किसी को नाहस मनहूस नहीं समझेंगे बल्कि अपने अच्छे दिल से, सच्चे दिल से तौबा करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सजदा रेज़ होकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह ताला को यही कहेंगे कि ऐ अल्लाह तू करीब होकर हमारी दुआएँ सुन ले और अपनी हाजात के लिए जो अमल आपको बताया है इसके ऊपर अमल करेंगे। मजीद मालूमाती और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे नाज़रीन को अल्लाह हाफिज़।